you're watching Exposed India. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सपा पार्टी कार्यालय में पहुंचकर जनता का आभार जताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा जनादेश का स्वागत करती है। हालांकि सपा ने मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर जीत पाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन देंगे और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को जवाब देंगे। सपा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। रहा सवाल ईवीएम पर, तो वो हमेशा बना रहेगा। नंबर दो की लड़ाई पार्टी ने लड़ी और केवल एक पार्टी सदस्य जीते हैं और आज ही समाजवादी पार्टी ने सभी से राय मशवरा करके फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है।